पत्रिका रिपोर्ट को स्वागत करुछि मितिस्मृति। ममिता मेहर हत्या मामलें राज्य सरकार बर्षिंट केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य बीजेपी मुख्यालय में मिश्रण पर्व में धर्मेन्द्र कहते कि ममिता मामलें हाइकोर्ट में प्रायोजित केस हो पीड़िता बापा माँ को शिखाई हाइकोर्ट में केस दायर हो केवल मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बचाई सब कर शासक दल से हीपरी मुख्यमंत्री को टार्गेट कर धर्मेन्द्र प्रश्न कर घटन नैतिकता कड़े गला आगुरु सबुबले नैतिकता कथा कहुतिबा मुख्यमंत्री एवं बहिष्कार करिबार नैतिकता कुआडे गला सेहिपरि बहिष्कार करिबार नैतिकता कुआडे गला सेहिपरि राज्य रे थिबा जिला खनिज पांठि डीएमएफ रो अपव्यवहार हेउथिबा अभिजोग करिछन्ति धर्मेन्द्र। पछुआ अंचल विकास पई मोदी जिला खनिज पांठि गठन करिछन्ति किंतु बिना टेंडर रे खनिज पांठि खर्च हेउछि तेबे योजनार सुफल गरीबों पाखे पहुंचा दरकार। ओडिशा रे 25 लाख टीका महजूद अछि किंतु देबार व्यवस्था हेउनी बोली कहिछन्ति धर्मेन्द्र। सतुआ कारबार रे आपण ही अभियोग करथिले अभियोग रो कागज आम पाखे नथिला ओडिया लोकों पाखे नथिला सामाजिक माने अल्प अल्प कथा उठैथिले नैतिकता आधार रे आपण सरकार रो अनेक मंत्री को इस्तफा दिया करिछन्ति आज आपण गृहमंत्री आपण प्रायोजित कोर्ट केस करिछन्ति हाईकोर्ट रे ओडिया लोक 4.5 कोटी ओडिया लोक ये प्रायोजित हाईकोर्ट केस घटनार 90 दिन है नहीं चार्जशीट फाइल करिबार टाइम सरी नहीं आपण को को कथाटा डराउछ से पीड़ितार मां बापा माने थाना थाना बोली थिले थाना थाना बोली थिले एफआईआर लिखेबा पई आज आपण सही मान को पुणी चाप पके कि हाईकोर्ट आनी 90 दिन सीमा न सरणु मुख्यमंत्री महाशय मंत्री मंत्री संश्लिष्ट न थाई परंतु किंतु ताहले आपण विगत 20-22 वर्ष शासन रे जो जो मंत्री मान को अपना दुर्नीति और नैतिकतार गुहाई दे कि इस्तफा दिया कर ताले से माने कौन काठो कढ़ारे दोषी है सारे से माने कर नैतिकता टा कौन अलग अपन कर अति प्रिय लोकर नैतिकता टा अलग बंधु मैं यही आज ओडिया लोक मान भीतर प्रश्न आज ओडिशार केन्दुझर हो सुंदरगढ़ हो मयूरभंज हो झारसुगुड़ा हो अनुगुल हो ढेंकानाल हो बलांगीर हो कलाहांडी हो कोरापुट हो रायगढ़ हो आदिवासी अधूषित अंचल पछुआ अंचल पाए नरेंद्र मोदी व्यवस्था कले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हजार हजार कोटी टंका व्यवस्था करा गला से जिला रे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार या पई खर्च हमार दायित्व रखा गला आज कौन होची किछ दिन पूर्वे मु जने जिला रे हमर प्रशासनिक अधिकारी को पचारली जे महाशय ये टंका अपन बिना टेंडर रे केमती खर्च करले विवादीय तीन कृषि आईन प्रत्याहार प्रत्याहार नहीं घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधन बेले एने घोषणा करी मोदी कृषि आईन प्रत्याहार नहीं खूब शीघ्र सांविधानिक प्रक्रिया आरंभ करने को घोषणा करी संसदर शीत अधिवेशन एने सांविधानिक पदक्षेप निजी मोदी एथस आंदोलन प्रत्याहार करने को कृषक संगठन गुड़ी को मोदी अनुरोध कर आंदोलनरत चाषी को घर को फेर प्रधानमंत्री अनुरोध करे कृषकों हित केन्द्र सरकार पदक्षेप जारी रधानमंत्री कहते मुहा करी कृषक मानी ही करी जहां मुझे देश आपण मान आशीर्वाद मोर कठिन परिश्रम कौन प्रसंग बाद देना आज मुझे भरोसा दे कहे मुझे आठोर परिश्रम करुच्ची फलत आपण मान स्वप्न और देशर स्वप्न
साकार हो पार देशर 10 कोटी अधिक चाषी जमी 2 हेक्टर भी कम चाषी समस्या और असुविधा को अति निकट देखि मोदी से कृषि और कृषक कल्याण को अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी कृषकों बीमा बजार और रोजगार देवा लगी योजना होती कृषि ऋण परिमाण 16 लक्ष कोटी को वृद्धि पाई देशर क्षुद्र चाषी हित में नुआ कृषि आईन अणा जा प्रधानमंत्री सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दें। नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं प्रधानमंत्री घोषणा परे कृषक नेता राकेश टिकायत कहते एवं तुरंत आंदोलन प्रत्याहार करा कृषि आईन संसद में रद्द न होबा जाए आंदोलन हटिब ना से पर्यंत समस्त कृषक आंदोलनकारी अपेक्षा करिबे बोली टिकायत कहते केन्द्र सरकार एमएफसी सहित कृषकों अन्य समस्या संपर्क में कथबार्ता करंतु बोली से अनुरोध कर रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा। जिसका हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी, 28 तारीख की फेयर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी, 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी, तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे, बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा देश का किसान मजदूर नौजवान तैयार रहे, एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है। कृषि आईन प्रत्याहार नहीं नवनिर्माण कृषक संगठन प्रेसमिट संगठन आवाहक शेषदेव नंद प्रतिक्रिया रखिंट विलंबरे प्रधानमंत्री घोषणा को स्वागत करुचु संसद में कला कृषि आईन प्रत्याहार कर खुशी हेबु आंदोलनरत कृषकों बलिदान सफल बोली से कहते तमाम भारत वर्ष चाषी माने जो न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ुते 700 चाषी शहीद होते बलिदान आज सार्थक है। केन्द्र सरकार निजे नतमस्तक हो चाषी आंदोलन पचरे जे खलिस्तानी कहते आंदोलनकारी की जो माने कहते आंदोलन जीवी से चैप्टर क्लोज हो गया। भारत वर्ष चाषी आस्त आश्वस्त हो जाए आंदोलन जो आंदोलन भारत वर्ष स्वाधीनता पर सबुठ बड़ आंदोलन जो आंदोलन सर्वाधिक लोक जीवनदान कर कला कानून को प्रत्याहार करने आज सरकार जो निष्पत्ति नहीं कार्यकारी करेंगे आम से आश्वस्त हो कि उत्फुल्लित होमको से कागज मिल पार्लियामेंट्रे आनुष्ठानिक जो दिन
से समाप्त घोषणा हाँ जो कलाखंड रद्द होगा से चूड़ा विजय हम आज विजयर आभास मिली विजय उत्सव बिगुल बजे आज आम प्रधानमंत्री की धन्यवाद दौ विलंब रही कम कर मोदी घोषणा को नवीन स्वागत केन्द्र तीन नुआ कृषि आईन प्रत्याहर पर पीएम घोषणा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वागत कर ट्वीट करी नवीन कहते देश और कृषकों हित में मोदी जी यही निष्पत्ति आंदोलनरत कृषकों स्वागत पर क्षेत्र और परिवार चाह बस कृषक मैंने घर को फेरिले से माने खुशी हे बीजेडी सबुबले कृषकों समर्थन कर नवीन केन्द्र तीन टी नुआ कृषि आईन प्रत्याहर घोषणा प्रसंगे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते गोटे वर्गर चाषी दुख को ध्यान में रखी पीएम निष्पत्ति संसदर शीत अधिवेशन में आईनगुड़िक प्रत्याहर करा मोदी सरकार अन्नदाता समृद्धि प्रतिश्रुतिबद्ध चाषी को उत्पादन सठिक मूल्य देवा मोदी नीतिर मूल लक्ष्य चाषी सामाजिक और आर्थिक विकास मोदी सरकार लक्ष्य एमएसपी को व्यवस्था को स्वच्छ और प्रभावी करने को कमिटी गठन करा राज्य सरकार और चाषी को नहीं एही कमिटी गठन करा धर्मेन्द्र भारत बर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा लाइन आज टाणी कृषि आईन को संबोधित कर प्रजातंत्र किए उपरे आज देश को प्रधानमंत्री भूल मागिंट आम तो चाहूल चाषी मान विकास आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी आज रेकर्ड दर से धान दि जा गहम किणा जा दशक दशक धरी जेतिकी टंकार धान गहम किना जाई मोदी जिंकर सात वर्ष रे तार दुई तीन गुण मूल्य धान गहम एवं कि यूपीए समय थरे दस वर्ष भितरे चार रु चौद भितरे दस वर्ष भितरे सतुरी हजार कोटी टंकार ऋण छाड़ करके कृषक कल्याण कुंभीर कांदना कांदी कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार नरेंद्र मोदी 9 कोटी चाषी मान को प्रति वर्ष 6,000 कोटी टंका करके लक्षे कोटी रु अधिका टंका ए पर्यंत बैंक खाता रे गरीब लोक गरीब चाषी मान को पाखु पहुंचे तीन नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं ट्वीट करिछन्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहिछन्ति अन्नदाता सत्याग्रह आगे अहंकार पराजय हेला अन्याय विरोध में विजय होइतिबा कहिछन्ति राहुल नुआ कृषि आईन प्रत्याहार होगा कृषकों बड़ विजय यह कहते पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्वीट कर कृषक आंदोलन में सामिल होता प्रत्येक कृषकों धन्यवाद देते ममता कहते एस आईन विरोध में लड़े कर प्राण हर कृषकों पर समबेदना जन पश्चिमबंग मुख्यमंत्री अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने तीन खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है बर्बर लाठी चार्ज किए गए दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नष्टर और भाले लगवा दिए गए किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए उन्हें आतंकी कहा गया किसान को नक्सलवादी कहा गया हमें किसान को गुंडा कहा गया
किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया, 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। वह एक साल बाद उनको ये ज्ञान आया कि ये कानून जो है हमारे अन्नदाता स्वीकार नहीं कर रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो बहादुरी के साथ एक साल तक ये जो संघर्ष चलता रहा, 750 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, और इस शहादत के बारे में एक शब्द नहीं प्रधानमंत्री के मुंह से। ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं, उनको उतरना पड़ा उनकी घमंड से कि एक साल तक यही बोलते रहे कि नहीं वापस नहीं होंगे। अब उनको करना पड़ा शायद चुनावों को ध्यान में रखते हुए। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। चासी आईन को केंद्र सरकार प्रत्याहार करिबा परे लंडा होई खुशी प्रकाश करिछंती कांग्रेस कर्मी। दीर्घ दिन धरी केंद्र सरकार करिथिबा आईन जो कोई चासी हैरान हरकत हेउथले, एबे चापरे पड़ी सरकार एही आईन को प्रत्याहार करिथिबा कांग्रेस कहिछे। चासी संगठन और कांग्रेस दल निरंतर संघर्ष आंदोलन आगे मोदी सरकार मुंड नुआईवा बाध्य होती। कांग्रेस कर्मी लंडा होगा सहित मिठा बांटि एक वर्ष ऊर्ध हम शताधिक कृषक संगठन सारा देश में, श्रमिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं सर्वोपरि कांग्रेस दल चाषी तीन गोटी कृषि कला आईन जो केन्द्र सरकार आनीथिले ताकु प्रत्याहार करिबा पय लगातार आंदोलन जारी रहिछि। ता फलरे आज बाध्य होई नरेंद्र मोदी महाशय तीनि गोटी कला आईन को प्रत्याहार करिबा पय घोषणा करिछन्ति। ए हौछि चासी एकतार विजय, ए हौछि कृषक संगठन एवं जातीय कांग्रेस रो विजय, नैतिक विजय आमे कहुछु। एति पय कारण आकु फेर से माने पार्लियामेंट रे आनिबे, ये सब जिनस प्रक्रिया रही। शंख छड़ी पद्म धरले संजीव साहू, बीजेपी रे जोग देले पूर्वतन बीजेडी विधायक संजीव साहू। राज्य बीजेपी कार्यालय आयोजित मिश्रण पर्व में आज से विधिवत भाव सामिल होती। केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित में निजर शह शह समर्थकों सहित बीजेपी में जोग देते संजीव साहू। आठ मल्लिक और वीरमहाराजपुर निर्वाचन मंडल चारि थर विधायक रही सारी संजीव साहू। पंचायतीराज और वाणिज्य परिवहन मंत्री रही थे संजीव। किसी दिन ते व्यक्तिगत कारण दर्शाई बीजेडी इस्तफा देते संजीव। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାସ ମୁଁ ବୁଲିଥିଲି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଠମଲ୍ଲି ବ୍ଲକ, କିଶନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରେ ବହୁମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି ବି ଜଣେ ବି ରାଜି ଜଣେ ବି ମନା କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ତରରେ କହିଲେ
ଆପଣ ଅଣ୍ଠୁଆଣି ଯିବେ, ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ। କାରଣ ବିକାଶ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ବିକାଶକୁ ଆଠୁଣିକର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପିଲାପାଣିର ତା କିଭଳି ଆୟତ ନେବାକୁ ହେଲେ ତାହାରି କଥା କରି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସେବା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ www.odisharesults.nic.in/result ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏଥର ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 13,043 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ October 1-11 ଯାଏଁ ହୋଇଥିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାର ରେଗୁଲାରରେ 98.58% ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 95 ଜଣ 90% ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଳାରେ 186,685 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି 30,685 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି 46,567 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି 119,505 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏହାଛଡ଼ା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରେ 206 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଋଷିନାଥ ବରାଳ। ଋଷିନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ ଋଷିନାଥଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରେ ଋଷିନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଋଷିନାଥଙ୍କ ଘରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଋଷିନାଥଙ୍କ 4 ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏସୀୟ ମହିଳା ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 18 ଜଣିଆ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିବ୍ରେଶ ଏକା, ନମିତା ଟପୋ, ଲିଲିମା ମିଜ୍ ଓ ମାରିଆନା କୁଜୁର। ସବିତା ପୁନିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦିବ୍ରେଶ ଏକା ଉପ ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। December 5-12 ଯାଏଁ ଖେଳାଯିବ ଏସୀୟ ମହିଳା ହକି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। December 5 ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଖେଳିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ କାତି ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରବାର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଚାଲାଣକାରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜ ଗୋଲେଇ ଛକ ନିକଟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଚାଲାଣ ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଖବର ମୁତାବକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବିକ୍ରି ନେଇ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଆଜି ଗୋଲେଇ ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରିବା ସହିତ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, କରଞ୍ଜିଆ ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସି ବେପାରୀ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ନେଇ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ଚିତାକର୍ଷକ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବହୁ ଦୂରରୁ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ପତିତ ପାବନଙ୍କର ହୋଇଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୁନା ବେଶ। ଜରି ସୋଲ ଜମ୍ବରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ନଥିବାରୁ ଗତ ବର୍ଷ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଭଳି ଓ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ବେଶ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଚକା ନୟନକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ପତିତ ଭବନକୁ ଆଜି ଆଖି ପୁରେଇ ସେହି ସୁନା ବେଶର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କଟକଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତ କିଭଳି ଏହି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଛେ କି ପତିତ ଭବନ ସୁନା ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ବାରଣ ଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ମାନେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ହିଁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହିଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗତ ଦେଖିଥିବେ ଗତ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବାରଣ ଥିଲା ଦର୍ଶନର, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବାହାରେ ରହିକରି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅଛି, ପଦ୍ମ ବେଶ ଅଛି, ଏହିସବୁ ଭେଷ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଗତ ଏଇ ରଥରେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସୁନା ବେଶରେ ବି ଏହି ବେଶରେ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ଯାଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚକାନୟନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରକୁ ଯେତେ ଦେଖିଥିଲେ ବି ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଥର ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ସେ ହିଁ ନୂତନ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଗେ। ସେହିଭଳିଆ ଭାବରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶନ, ସୋଲ ଏବଂ ଜରିଜମ୍ବୁରାରେ କରାଯାଇଛି ସୁନାବେଶର ସଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀପର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି? ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ମନ ଭରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଏବଂ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ଯେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କରାଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତଟିଏ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମାନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଫେରିପାରିବ।